इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के डायरेक्टर प्रोफेसर राकेश जी सिन्हा, जनाब सैयद फैजल अली और मिस एनी इशवेल टोले। ब्रदर सिस्टर्स तो नहीं कहूंगा, लेडीज एंड जेंटलमैन भी नहीं कहूंगा, बहनों भाइयों, मैंने मिस एनी टोले की भी स्पीच को सुना और सैयद फैजल अली की भी स्पीच को मैंने सुना। मैं एनी इशाबेल टोले की स्पीच के बाद मैं कह सकता हूं कि एक फर्स्ट हैंड एनालिसिस जितनी वो कर सकती थी इस माइनॉरिटी प्रॉब्लम की पाकिस्तान में उन्होंने करने की कोशिश की है। सैयद फैजल अली और कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि इनको एक समय सीमा में बांध दिया गया। पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की नींव ही रिलीजियस इनटॉलरेंस पर पड़ी हुई है। उस समय यह कहा गया कि हिंदू और मुसलमान दोनों हिंदुस्तान में एक साथ नहीं रह सकते। यह जो लॉजिक दी गई डिवीजन के लिए, यह बहुत ही घातक लॉजिक है, जिसका खामियाजा आज पाकिस्तान स्वयं में भी भुगत रहा है। और आप सबको जानकारी है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज और स्पेशली हिंदू जो 1947 में अप्रॉक्सिमेटली 23-24% थे, आज उनका परसेंटेज अप्रॉक्सिमेटली 1.2% रह गया है। भारत में माइनॉरिटीज 1947 में जहां पर 7-8% पॉपुलेशन थी, आज वो बढ़कर अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 14% पॉपुलेशन माइनॉरिटीज की यहां पर हो गई है। जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम क्या है? जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम पर यदि मैं विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, उदारता, क्या कारण है कि इस प्रकार की असहिष्णुता और उदारता जो भारत के अंदर है वह पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं है? जब इस पर मैं विचार करता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं, लगता है मुझे, ऐसा प्रतीत होता है कि जो पाकिस्तान का निर्माण हुआ है अथवा भारत का जो डिवीजन हुआ है वह ज्योग्राफिकल डिवीजन ही नहीं हुआ है बल्कि एक प्रकार से कल्चरल डिवीजन भी हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से ही पाकिस्तान हमसे अलग नहीं हुआ है, जैसे लगता है कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी वह हमसे अलग हो गया है। भारत में भारत की कल्चर के कारण ही, भारत की संस्कृति के कारण ही दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट रिलीजन्स हैं सभी रिलीजन्स को मानने वाले लोग आपको मिलेंगे, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे और जितने भी इस प्रकार के रिलीजन्स हैं, सब आपको यहां पर मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। और मैं कह सकता हूं कि दुनिया के किसी देश में जितने भी वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट रिलीजन्स हैं उनके फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे, यदि मिलेंगे तो पूरे वर्ल्ड में किसी देश में भी मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे और दुनिया किसी दूसरे देश में नहीं मिलेंगे। हमारे कल्चर की विशेषता है, हमारी संस्कृति की विशेषता है, जाति पंथ कास्ट क्रीड के आधार पर, सेक्ट के आधार पर हमने कभी विचार नहीं किया, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। और मैं कुछ उदाहरण देना चाहूं, पौराणिक उदाहरण आपको देना चाहूं तो इसलिए मैं देना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति के जो ने जिन जीवन मूल्यों की स्थापना की है, जिन लाइफ वैल्यूज की स्थापना की है, उसमें किसी को हिंसा का रास्ता अपना कर उसे दबाना, उसे हैरिस करना, उसके शेयर को हासिल करने की कोशिश करना, ये कभी नहीं रहा है। यहां तक कि हमारा कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, हम उसे भी तिरस्कृत नहीं करना चाहते
उसको हम पूरी तरह से नष्ट नहीं करना चाहते। यह हमारे भारत की कल्चर की सबसे बड़ी विशेषता है। अब आपको मालूम है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद यदि मैं समझता हूं कि यदि भगवान यदि चाहते तो लंका का अधिग्रहण कर सकते थे, लंका के भी वह राजा बन सकते थे, लेकिन लंका के राजा बनना उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद यह कहा कि वही का जो प्रतिनिधि था विभीषण को कि तुम्हारे हवाले यह लंका की सत्ता को करते हैं, लेकिन याद रखना धर्म का पालन करना, मैंने धर्म को मैं पूजा पद्धति के साथ नहीं जोड़ना चाहता हूं, दे दिया उन्होंने। आपने समुद्रगुप्त का नाम सुना होगा। सारी दुनिया यह मानती थी कि पावरफुल मिलिट्री यदि किसी के पास है तो समुद्रगुप्त के पास है, और इसीलिए उन्हें नेपोलियन ऑफ ईस्ट कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने भी साउथ के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन 12 राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां पर अपना राज्य स्थापित नहीं किया था, बल्कि 12 राज्य साउथ के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने उनमें एकता की संधि करा दी कि मिलजुल कर रहो, साथ रहो, लड़ो मत, और सत्ता उन्हीं के हवाले कर दी। हाल में आजादी के बाद के इतिहास को यदि देखें, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, एक भाषाई असहिष्णुता के कारण, भाषाई इंटॉलरेंस के कारण ही तो पाकिस्तान बना, ये बांग्लादेश बना। भारत यदि चाहता उस समय तो पाकिस्तान पर भी वो कब्जा कर सकता था, उसका अधिग्रहण कर सकता था, लेकिन भारत की कल्चर की यह विशेषता है कि हमने वो नहीं किया। भारत के कल्चर के लिए मैं बात करता हूं तो हाल ही में एक इन्वेंशन हुआ था, आपने नाम सुना होगा, हिग्स बोसॉन, जिसे कि बोलचाल की भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं। गॉड पार्टिकल में भी यह बात निकल कर आई है कि एक सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसका एग्जिस्टेंस जिस एलिमेंट के कारण है उसी एलिमेंट के कारण होल यूनिवर्स का भी एग्जिस्टेंस है, यही है, उसी के कारण। मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति को पूरी तरह से वैज्ञानिकों ने भी अपनी अप्रूवल दे दी, उस पर मुहर लगा दी। अब मैं भारत की संस्कृति के एक मूल मंत्र संस्कृत में है, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, यानी जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। जिस कल्चर की यह विशेषता हो, जिस संस्कृत की यह विशेषता हो, मैं समझता हूं कि इंसान और इंसान के बीच नफरत और घृणा पैदा करने का काम नहीं कर सकते, और वह केवल जो चेतन है यानी जो जिंदा लोग हैं, जो जीवित लोग हैं, केवल इंसान मात्र की ही चिंता नहीं करती है, मनुष्यों के अतिरिक्त जो मानवेतर प्राणी हैं उनकी भी चिंता हमारी संस्कृति करती है। हमारे यहां तो यह भी कहा है कि वृक्ष नहीं काटना चाहिए, हमारे यहां तो यह भी कहा गया है कि जो हिल्स हैं, पहाड़ हैं, इनको भी डैमेज नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं काम करना चाहिए ताकि उनको किसी प्रकार की क्षति पहुंचे। सब तो सब, हमारे यहां जो सर्प काला नाग उसे काटने के बाद भी मरने की पक्की गारंटी होती है, फिर भी हमारे यहां नागपंचमी के दिन उसे दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना की जाती है। यह हमारे भारत की संस्कृति की विशेषता है। इनटॉलरेंस किस हद तक पाकिस्तान में है, क्या आपको याद होगा कि 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और कांग्रेस के अधिवेशन ने एक मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी एक अलग से बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजर्वेशन कर दिया जाना चाहिए, उस आधार पर यह प्रस्ताव उस समय पारित हुआ था। इसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन यदि किसी का था तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दारुल उलूम देवबंद का, उत्तर प्रदेश और
बिहार के मुस्लिम्स में इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन पाकिस्तान बन गया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मुस्लिम्स हैं वहां, उनको मुहज़िर कहते हैं, उन्हें नफरत और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। पाकिस्तान का गठन ही तो इस्लामिक ब्रदरहुड के आधार पर किया गया, कहां चली गई वह ब्रदरहुड? वहीं का रहने वाला, चाहे शिया हो, चाहे पख्तून हो, चाहे मुजाहिदीन हो, सबके प्रति एक नफरत का भाव। गिलगित बाल्टिस्तान में यदि हम देखें तो गिलगित और बाल्टिस्तान में तो एकदम बिल्कुल शियाओं का सफाया किया जा रहा, ऐसे हालात वहां पर पैदा हो गए। और मुझे याद आता है कि एक टॉम फ्रीडमैन, उन्होंने 9/11 की जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा एक आर्टिकल लिखी थी, उसमें कहा था कि क्या अजीबोगरीब स्थिति है कि एक नौजवान इन्फोसिस में भी काम करने वाला नवयुवक है, हाईली टैलेंटेड नवयुवक है, और अलकायदा में भी काम करने वाले नौजवान ही हैं, वह भी हाईली टैलेंटेड है, लेकिन अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री इस दुनिया की है, यदि भारत में आती है तो आईटी सेक्टर के जो टैलेंट्स हैं उनकी तलाश करने के लिए आती है,